शरा के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। सवाल ये है, क्या कोई भी बात इतनी बड़ी हो सकती है कि बाप घर छोड़ के जाने की धमकी देने लगे? अब ये भी कोई बात हुई? बस गुड़िया, बहुत हो गया, प्लीज इस मामले में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ओ जी, हक तो पूरा है जी। बकायदा घोड़ी चढ़ के सात फेरे लेके मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ जी। पर जाय जी, आप एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना, आप बा का कहना दिल से मानती हो या मजबूरी से? सच सच बताना पर जाय जी। ये क्या सवाल है गुड़िया, बड़ों का कहा मानना चाहिए। बिल्कुल जी, वो बात तो मैं हमेशा मानती हूँ, लेकिन इस वक्त सवाल कुछ और है। वही तो, अब सवाल ये है कि क्या हम बा का कहना अपनी खुशी से मानते हैं या ना चाहते हुए भी सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारी बा है। क्या आवाज है जी, क्या आवाज है। पहली बार इन्होंने मेरे लिए रोमांटिक गाना गाया है, थैंक यू। जी क्या बात कर रही हो मोटा भाई, अब पर जाई जी से प्यार नहीं करते? मेरा मतलब है प्यार तो करते ही हो, लेकिन क्या आप परजाई जी को जताते नहीं हो? आपने कभी परजाई जी को आई लव यू नहीं कहा है? ओ जी, दिस इज नॉट फेयर, ये तो फेयर नहीं है जी। मेरा मतलब वो फन एंड फेयर वाले फेयर से नहीं है जी। पता है। ओ जी क्लियर करना जरूरी है जी। प्यार भी क्लियर करो और जताओ तो उसका मजा ही कुछ और होता है। मोटा भाई, आज आपको परजाई जी को आई लव यू तो बोलना ही पड़ेगा जी। बोले। देखो, हर बात बोलना जरूरी नहीं है। मोटा भाई, आप जब पॉलिसी बेचते हैं तो सामने वाले को समझाते हैं ना कि पॉलिसी में क्या क्या है? तो लीला भाभी ने तो आपकी दिल की पॉलिसी ली है, तो उन्हें बताइए कि आपके दिल में क्या है, बताइए। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो लीला, मैं जो कहूँगा उसका गलत मतलब मत निकालना। ओहो, अब जो मतलब होगा वही तो निकालूंगी ना, आप भी। नहीं मतलब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो। ओहो मोटा भाई, टाइम पास मत कीजिए वरना हम सब चले जाएंगे, जल्दी बोलिए ना। हाँ हाँ बोली तो रहा हूँ लीला, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा था, सोचा कि तुम्हें दूंगा तुम पढ़ लोगी, पर अब ये सब लोग वो तीन अक्षर बोलने की जिद कर रहे हैं तो यही पढ़ के सुना देता हूँ। इरशाद 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 इरशाद। लीला ओ लीला, कैसी तुम लीला। लैला ओ लैला, कैसी तो लैला, ये कोई फिल्म के गाने जैसा है ना। तुम्हारे पापा तुम्हारा रिश्ता लेके हमारे घर आए थे, 9 नंबर के जूते पहन के। उसके बाद तुमने शादी करके कदम रखा घर में और कृष्ण विला को उसकी पहली राधा मिली। और वो राधा आते ही पहले मेरे छोटे छोटे भाई बहनों की यशोदा माँ बनी और फिर डिंपल और जिगर की देवकी मैया। पूरे घर की जिम्मेदारी तुमने अपने सर पे उठा ली और बाँ के चेहरे पे मैंने पहली बार सुकून की मुस्कुराहट देखी। टिफिन का बोझ बाँ के सर से तो कब का उतर गया था, लेकिन उनके दिल पे जो बोझ था वो तुमने उतारा। बाँ खुश थी कि मेरे बच्चों को संभालने वाली आ गई। बाँ ने कहा भी कि ये सचमुच भगवान की लीला है, तुमने कितना कुछ किया है हम सबके लिए, लेकिन भगवान की उस लीला के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। ना कभी तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट किया, ना कभी तुम्हें महंगे तोहफे लाके दिए, ना कभी खुल के प्यार जताया, और इससे भी ज्यादा ना कभी तुम्हें ज्यादा वक्त दे पाए। लेकिन सबकी देखभाल में खुद को इतना बिजी कर दिया तुमने ताकि कभी मेरे या तुम्हारे मन में ये ख्याल भी ना आए
कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। तुम हमेशा कहती रहती हो घर में ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन लीला तुमने कभी मांगा नहीं। लोग चीजों से घर सजाते हैं, तुमने अपनी इच्छाओं से घर सजाया। ये तुम्हारा बड़प्पन है लीला। सुख में दुख में हर कदम पे तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए आज मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मुझे तुम पे गर्व है लीला, और मुझे खुशी है कि बा ने मुझे कसम दी और तुम्हारे जन्मदिन के सरप्राइज में मैं एक हिस्सा बन पाया। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। अरे लीजिए लीजिए। हैप्पी बर्थडे लीला। एक बात मैं इस खत में नहीं लिख पाया जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। आई लव यू लीला। सामने तुम और जोर से जोर से छोड़ भाई। चलोगे? रेडी? नहीं मैं चुप। घुमा 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 घुमा। चल डांस करके दिखा। हाँ बेटा थोड़ा मंगड़ा शंगड़ा पा। अरे नहीं 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 लीला भाभी की एक्टिंग कर। मेरी? नहीं 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 ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ये सलोनी तो कितनी हल्की है, वो ऐसे ऐसे करेगी तो हवा में उड़ जाएगी। गट्टू भाई। सलोनी तू दादी भाभी एक्टिंग कर। बाहर की खाने की चीजें लाना मना है। केक खिलाना है तो बाहर ले जाके खिलाओ। पर बाप वो चुप, कोई बहस नहीं करेगा। जो बहस करेगा सीधा घर से बाहर जाएगा ऐसे ये करके। शाबाश मेरे गट्टू। वेलकम। समझ गई गुड़िया? जी बाप, जैसा आप कहे। वाह वाह सलोनी, तूने गुड़िया को क्या चुप करवाया है। वाह वाह जी मोटा भाई, बच्चों ने तो ऐसा खेल में किया है, लेकिन असल बात होती ना तो बात अलग होती। परसाई जी देखिए एक्शन रिप्ले। हर्षद भाई, अभी के अभी? लेकिन हुआ क्या है वहां? मुझे पता था घर में कुछ गड़बड़ जरूर है। अजीब सी एक अमंगल अमंगल सी फीलिंग आ रही थी। मैंने बोला भी था। कभी बोला था आपने? बोला था प्रवीण भाई, बोला था मैंने। याद नहीं शायद आप लोगों को, पता नहीं शायद मन में ही बोला था। हसीए मत प्रवीण भाई, सच कह रही हूँ मैं।
जब बा का फोन आया था ना तभी मेरे मन में खटका था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तो क्या इसके लिए तुम्हें अवार्ड दें? लो देखो इन्हें। ओ हो, कोई इनसे कहो कि इसमें चिढ़ने की क्या बात है। आप दोनों अभी अपना झगड़ा पोस्टपोन कीजिए ना। सोचने वाली बात ये है कि बात इस हद तक बढ़ी कैसे। कभी ना कभी तो बात बढ़नी थी ना बेबी। सच सुनना तो बा को पसंद ही नहीं है। क्या मतलब प्रवीण, तू ये कहना चाहता है कि बापूजी ने जो कहा ठीक कहा? उनको क्या हक बनता है बा को इस तरह सुनाने का? उन्होंने घर में कभी किसी के लिए कुछ किया है? अरे मोटा भाई, चलो माना कि बापूजी को कोई हक नहीं है क्योंकि वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जिसको हक है उसे भी बा कहां बोलने देती है अपने सामने। एक मिनट प्रवीण, हमारे घर में बा के खिलाफ बोलने का किसी को कोई हक नहीं है। है मोटा भाई, और किसी को हो या ना हो, लेकिन लीला भाभी को ये हक है। बिल्कुल। एक मिनट प्लीज, आप लोग मुझे इसमें मत घसीटिए प्लीज प्रवीण भाई। नहीं प्रवीण, नहीं प्रवीण, नहीं आई। बेबी प्रवीण, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों माँ के त्यागों को इतना जल्दी भूल जाओगे। उन्होंने रात रात पर जाकर टिफिन बना बना कर एक मिनट मोटा भाई, बा ने टिफिन बना बना कर हमें पाला पोसा माना, लेकिन बा टिफिन बना पाती थी तो सिर्फ लीला भाभी की वजह से, जिन्होंने पूरा घर घर की सारी जिम्मेदारियां खुद संभाली थी। जब मैं रोती थी तो लीला भाभी डिम्पल को नीचे रखकर मुझे गोद में उठा लेती थी। जिगर का निवाला बड़े प्यार से गट्टू को खिला देती थी। मोटा भाई, बा ने जो किया वो उनका फर्ज था, लेकिन लीला भाभी ने जो हमारे लिए किया उसे कुर्बानी कहते हैं। और ये सब उन्होंने मजबूर होकर नहीं किया, बल्कि अपनी खुशी, प्यार और अपनेपन से किया। इसलिए इन्हें तो पूरा हक है बा का विरोध करने का, लेकिन ये करती नहीं है। ये इनका बड़प्पन है, और अगर ये ऐसा कभी कर भी देती ना तो आई एम श्योर बा इन्हें भी घर से बाहर जाने का ऑर्डर दे देती 100%। अरे बा को किसी का लिहाज कहाँ है? लिहाज जैसा वर्ड तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं ना। क्यों लीला भाभी? प्लीज प्रवीण भाई, बेबी बेन, आप लोग इस बहस में बा को और मुझे अलग अलग रखिए प्लीज। इस बात को और मत बिगाड़िए, खत्म करिए। नहीं नहीं भाभी जी, जो सच है वो सच है, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। गुड़िया तुम बीच में मत बोलो। हाँ तुम्हें दिन ही कितने हुए इस घर में आए हुए। तो क्या चावल का एक दाना बता देता है कि पुलाव पक्का है या नहीं? मेरा मतलब है। समझ में आ गया मतलब। तुम्हारा मतलब यही है ना कि हमारी बा हिटलर है? ओ जी, बा हिटलर कैसे हो सकती है? हिटलर को तो मूंछ थी ना यहाँ पर ऐसे। अच्छा मतलब बा और हिटलर में और कोई फर्क ही नहीं है? नहीं जी। बस भी करोगे तुम लोग? लो बोलो, इन लोगों को छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं है मोटा भाई, सवाल ये है क्या कोई भी बात इतनी बड़ी हो सकती है कि बाप घर छोड़ के जाने की धमकी देने लगे? अब ये भी कोई बात हुई? बस गुड़िया बहुत हो गया प्लीज, इस मामले में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ओ जी, हक तो पूरा है जी। बकायदा घोड़ी चढ़ के सात फेरे लेके मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ जी। पर जाई जी, आप एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना, आप बा का कहना दिल से मानती हो या मजबूरी से? सच सच बताना पर जाई जी। ये क्या सवाल है गुड़िया, बड़ों का कहा मानना चाहिए। बिल्कुल जी, वो बात तो मैं हमेशा मानती हूँ, लेकिन इस वक्त सवाल कुछ और है। वही तो, अब सवाल ये है कि क्या हम बा का कहना अपनी खुशी से मानते हैं या ना चाहते हुए भी सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारी बा है। उन्होंने हमारे लिए बहुत त्याग किया है। हम सब ये मानते हैं कि हम बा का कहना मानते तो हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं,
अपनी मर्जी के खिलाफ। अब ये तो घर जाकर बोलना ही पड़ेगा ना। देखा देखा हेमल, गुड़िया सबका ब्रेन वॉश कर रही है। मोटा भाई, हेमल गुड़िया, घर जाकर के ये सब बहस तो होने वाली है ना, प्लीज सभी शांत हो जाइए ना। अदा अदा, गाड़ी पेट्रोल भरवा के आ गई है, चलिए जल्दी। हाँ, चले। हाँ, चलो चलो चलो। चलो सामान लाओ। हेलो, बात कर दिया भाभी। हाँ देखना, अरे बापूजी तो नशे में कुछ भी बोलते रहते हैं, और जिंदगी में पहली बार थोड़ी हुआ ऐसा। मैं तो घर जाते ही बापू सुनाने वाला था। प्रवीण भाई, अभी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोल। बाने ऐसा बोला है ना कि? हाँ बाने बोला है तेरी सब फरमाइश पूरी करने को, अब बोल। ये चैतली है ना, ये बेटी है ना आपकी? हाँ। बहुत शानी है ये, वो मुझको बोलते है कि देखो गटुआ का अभी सब लोग का मुंह ऐसा ऐसा है ना, तो खिड़की के पास बैठने की जिद मत करना। तो मैंने बोला चलेगा, लेकिन बाद में ना इसने ऐसे तिरछी आंख से देखा मेरे सामने और फिर ऐसे हंसी। इट मींस कि अभी वो बैठेगी खिड़की के पास, ऐसा थोड़ी चलता है। अरे वो सोमिल पीछे की सीट लेकर आराम से सो गए, उसे कोई कुछ नहीं बोलता। अरे चुप कर चिपावली, चलो जाओ गाड़ी में, चल गट्टू तू हमारे साथ। मैं गट्टू काका के साथ। हाँ, हाँ। मेहुल मिताली, चलो तुम मेरी गाड़ी में, चलो मैं उड़ा दूं, तू मेरे घर में आ जा। हां तू जा उधर बैठ, चल गट्टू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।